गुजरात एटीएस टीमे 2018 में मेल बातमी आधार सलाया देवभूमि द्वारका खाते रूपया 15 करोड़ 5 किलो हेरोइन जत्थो एनडीपीएस एक्ट हेठ कब्जो करो तो, जेनी तपास दरमियान विविध राज्यों में 8 आरोपीओं की धरपकड़ करी थी। जेवा 4 जटला केस में शाहिद कासम सुमरा रहवासी कच्छ गुजरात नव वॉन्टेड हतो, जेने पकड़वा पोलीसे चक्रो गतिमान करता पकड़ायेल आरोपीओं की पूछपरछ डेटा एनालिसिस सर्वेलंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की माहिती आधार वॉन्टेड आरोपी दिल्ली आवेल होवानी बातमी मळता शाहिद कासम सुमरा ने दिल्ली इंटरनेशनल एरपोर्ट थी झड़पी पाड्यो हतो। आरोपी नार्कोटिक्स नी हेराफेरी में मळेल नाणानो उपयोग आतंकवादी संगठनों ने फंडिंग करवा करेल होवानुं तथा अन्य आतंकी प्रवृत्तियों में संकळायेल होवानुं बहार आव्युं हतुं। आरोपी कुल 530 किलो अंदाजे रुपया 2500 करोड़ थी वधुनी किंमतना 4 जेटला हेरोइन ड्रग्स सीजर केसमां वॉन्टेड अने टेरर फंडिंगमां तथा आतंकवादी प्रवृत्तिमां संकळायेल आरोपी शाहिद कासम सुमराने एटीएस गुजरातनी टीमे दिल्ली एरपोर्टथी झड़पी पाडवामां मोटी सफळता मळी हती। दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया है। ये एक्यूज एटीएस के मार्च 2021 के 30 किलो हेरोइन के केस का वांटेड है। उसके पहले 2018 के अंदर 5 किलो नारकोटिक्स का एटीएस गुजरात में केस किया था, जिसके आधार के ऊपर पंजाब में टोटल 500 किलो नारकोटिक्स का केस हुआ था। जो केस की एटीएस के एक केस के अलावा के बाकी तीनों केस ना ये कर रही है, उसका ये वांटेड है। ये प्रथम नारकोटिक्स के काम में अनुगुने में जुड़ा हुआ था। उसके बाद नारकोटिक्स के बाद में अब ये बंदा ये टेरर फंडिंग के काम में लग गया है और अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशनों के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर हमने इसकी अरेस्ट करके हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। अभी तक वो पूरा स्पष्ट नहीं हो चुका है, एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ा हो ऐसी पूरे पूरी जानकारी और इंफॉर्मेशन है। कश्मीर पंजाब के नेटवर्क का जानकारी मिली है, अगर अभी 4 केस के अलावा की जो जानकारी है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। पूरी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आगे की जानकारी के बारे में पता कर सकते हैं। दरियाई समुद्र के रास्ते से ही इसकी पूरी जो हेराफेरी हो रही थी और इसको महारत थी और इसी रास्ते से कंटेनमेंट इसके अलावा से भी जितने सवाल हुए वो भी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। मगर फिलहाल ये 4 जो मूवमेंट हुई थी वो समुद्र के रास्ते से। वो सारी बातें जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता और जब तक इन्वेस्टिगेशन में काम नहीं आता उसके बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल अभी इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में ये जो एक्टिविटीज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमने जानकारी दे दी है। बिल्कुल उसकी छानबीन चालू है। इसका पहला नार्कोटिक्स के क्राइम का इन्वॉल्वमेंट था, उससे ही ये पैसों की लालच से और कुछ अपनी सोच के आधार के ऊपर उससे जुड़ा हो इस टाइप की जानकारी हमको मिल रही है। अभी तक नहीं सामने नहीं आई है, अभी पूरी बात इन्वेस्टिगेशन के तहत है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन का सामने आ रहा है, पाकिस्तान के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट के पास में ये कहीं पे जाने की तैयारी कर रहा था, हमको गुप्त सूचना मिली उसके आधार से हमने वहां से ही पकड़ लिया।